तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। आज हम देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें कुछ अपडेशन दी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, प्राइजेस वगैरह के बारे में भी आगे बात करेंगे। बट जो डार्क एडिशन है ये हमें पहले टाटा सफारी और टाटा हैरियर में देखने के लिए मिलता था, अब आपको नेक्सॉन में भी डार्क एडिशन देखने के लिए मिल जाएगा। और ब्लैक में गाड़ी लग कितनी प्यारी है, देखो जो पूरा ही डार्क एडिशन इन्होंने दिया है, क्या क्या अपडेशन दिया है उसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी इसके अलॉयज वगैरह भी चेंज हो चुके हैं, अलॉयज आपको कार्बन ग्रे कलर मिल जाता है देखने के लिए। और कंपनी ने क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या क्या अपडेशन करी है उसके बारे में बात करूँ। जैसे इसमें इन्फोटेन सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, उसमें अपडेशन हुई है, 106 लैंग्वेज मिल जाती है हमें वॉइस कमांड के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सेट कर सकते हैं। और कंपनी ने इसमें ऑफर क्या क्या करा है, क्या क्या हमें मिल रहा है, क्या क्या अपडेशन हुई है डार्क एडिशन के अंदर, उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, रेंज सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, हेडलैम्प इसमें हमें मैनुअल मिलेंगे, एक आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, लो बीम के लिए LED बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेगा, हाई बीम के लिए हाइलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिलेंगे, नीचे फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, ब्लू ट्रीटमेंट मिलेगा स्काई ब्लू टाइप का जो आपको ईवी के अंदर मिलता, रेडिएटर ग्रिल पे यहाँ पे ईवी की मार्किंग मिलेगी, टाटा का लोगो नंबर प्लेट की जगह, और जो लोअर ग्रिल है उसमें भी आपको ब्लू ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। बाकी बम्पर का जो लोअर पार्ट है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, बट जो इससे पहले फ्रंट में आपको दिखा दूँ, जो हाउसिंग है फॉग लैंप हाउसिंग है, इसमें भी आपको स्काई ब्लू ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ हमें कार्बन ग्रे अलॉयज मिल जाते हैं, फ्रंट डिस्क और रियर भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे, चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे इसमें। टायर सेक्शन की बात करूँ, क्या टायर साइज मिल जाता है, 215/60/16 का टायर साइज मिल जाता है, कार्बन ग्रे अलॉय हैं ये, कुछ क्लैडिंग का पार्ट मिल जाएगा फेंडर्स पे, और यहाँ पे आपको हैशटैग डार्क की मार्किंग मिलेगी इस फेंडर पे भी और राइट साइड वाले फेंडर पे भी। ईवी की बैजिंग भी हमें को ड्राइवर गेट पे और ड्राइवर गेट पे दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाती है। ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBM मिल जाते हैं विद इंडिकेटर, और ये सेम बॉडी कलर है, ए पिलर भी सेम बॉडी कलर होगा, ब्लैक रूफ रेल्स, सनरूफ मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना, बी पिलर मैट ब्लैक मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे हमें फ्यूल कैप मिलती है, ये आपका चार्जिंग पॉइंट है, ये आपका अंदर से अनलॉक हो जाएगा, रेयर भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे। तो कोई साइड में तो कोई चेंजेस नहीं है, मेन है कि डार्क एडिशन आ चुका है जो अट्रैक्टिव पॉइंट है। वहीं आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल, रेयर प्रोफाइल पे, तो LED पे टेल लैंप्स मिलते हैं, इंडिकेटर, ये आपका रिवर्स लाइट, यहाँ पे आपको जिप ट्रॉन की मार्किंग मिलती है, नेक्सॉन की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टाटा का लोगो, रेयर वाइपर, रेयर डीप फॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, यहाँ पे ईवी की बैजिंग मिल जाएगी दोबारा से, नीचे दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, दो पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, और यहाँ नीचे आपको इसमें जो बम्पर का लोअर पार्ट है ये मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा, और बूट गेट खोलने के लिए भी यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। अब आ जाते हैं ड्राइवर साइड पे, तो डोर हैंडल्स मैं सेम दिखा चुका आपको, यहाँ ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा गेट खोलने के लिए। ईवी की बैजिंग हैशटैग डार्क जो मैंने दिखाया था आपको दोनों तरफ मिल जाती है हमें देखने के लिए। अब ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो कुछ इस तरह की स्मार्ट की मिलती है हमें देखने के लिए, लॉक अनलॉक ये प्रेस करके रखेंगे तो लाइट जल जाएगी, इसको दबाएंगे तो बूट गेट अनलॉक करने के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करते हैं हम, तो पूरा ही डार्क एडिशन है, तो इसका इंटीरियर भी पूरा ही ब्लैक कर दिया है, कोई अदर कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा, अदर थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट मिलेगा, बीडिंग टाइप आपको ब्लू की जो ईवी के अंदर मिलता है वो मिलेगा, बाकी पूरा ही ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ये रिफ्लेक्टर ही है, और यहाँ पे आपका ORBM कंट्रोल यूनिट जो टाटा की गाड़ियों में हमें इसी जगह पे मिलता है, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, चारों पावर विंडो, थोड़ा यहाँ अट्रैक्टिव सा ट्रीटमेंट मिलेगा सॉफ्ट टच में, छोटा सा ड्राइवर ट्रीम आर्म रेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच में मिलेगा, डोर एक्सेस हैंडल ये चाइल्ड लॉक के लिए, नीचे स्पीकर, अंदर आ जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी लेदरेट्स, और ब्लू कलर का इसमें स्टिचेस का हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे हैशटैग डार्क की बैजिंग के साथ, ये जो आपको
पॉइंट्स से ये हुए वेंटिलेटेड सीट्स के, यहाँ पे वेंटिलेशन का बटन मिलेगा हमें वेंटिलेटेड सीट्स में, इस साइड और उस साइड दोनों सीट्स हमें वेंटिलेटेड मिल जाती हैं नेक्सॉन ईवी में। मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप। नीचे दो पैंडल ब्रेक एक्सीलेटर, एक डेड पैंडल। यहाँ पे एसी वेंट, सराउंडिंग आपको ब्लू ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से, तो कुछ इस तरह से लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाता है हमें जो ईवी मैक्स के अंदर स्टार्टिंग से मिलता रहा है। फ्लैट बॉटम, थ्री स्पोक में स्टेयरिंग है। और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाती है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। इस स्पोक पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह के बटन मिल जाएंगे। ये आपका हॉर्न, टाटा का लोगो। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल की यूनिट मिल जाएगी पूरी देखने के लिए, जहाँ पर अपना क्रूज कंट्रोल सेट, रीसेट और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं उसे। टाटा का लोगो। थर्ड स्पोक ब्लैक मिलेगा, तीनों स्पोक ब्लैक है बट ये प्लेन मिलेगा। यहाँ पे आपको मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल, यहाँ पे आपका ऑटो वाइपर कंट्रोल्स। एक बार मीटर ऑन कर लेते हैं इसका, यहाँ बटन, पावर बटन यहाँ मिल जाता है, इसे प्रेस करते हैं। शायद बैटरी ख़त्म है इसकी, हाँ चार्जिंग ख़त्म है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन नहीं कर पा रहा मैं इसका। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सराउंडिंग भी आपको ब्लू ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये डिजिटल मिल जाता है पूरा, ये एनालॉग में मिलेगा आरपीएम। ये पूरी ही डिजिटल एमआईडी है, जिसमें आपका स्पीडोमीटर वगैरह, टीएमपीएस वगैरह, रीजनरेशन वगैरह के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। कुछ इस तरह से बोनट भी आ जाता है। और अट्रैक्टिव पॉइंट इसमें यह था, यार बैटरी लो है, मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, बट बता देता हूँ, ये जो पॉपअप डिस्प्ले है ये बड़ी हो चुकी है पहले से। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस हो चुका है, जो इनका टाटा की ऐप है वो भी वायरलेस कनेक्ट हो जाती है। जीपीएस वगैरह इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है। 106 लैंग्वेज मिल जाती हैं टोटल। वॉइस कमांड के लिए आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और ये आपको पहले से अट्रैक्टिव और थोड़ा अपडेट कर दिया, जब आप इसे यूज करेंगे तो पता चलेगा इस चीज के बारे में। वहीं नीचे आएंगे तो दो एसी वेंट, यहाँ हजार लाइट का बटन, ये भी ब्लू ट्रीटमेंट, ये ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा आपको डैशबोर्ड में जो लोअर पार्ट है। यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट दी हुई है, ये आपका हिल डिसेंट के लिए, ये आपका चार्जिंग पॉइंट खोलने के लिए, ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट गेट खोलने के लिए, ये आपका फॉग लैंप्स के लिए, ये आपका रेयर फ्रंट डिफॉगर्स के लिए। यहाँ सारे एसी बोर्ड्स हैं। यहाँ 12 वोल्ट का एक आपको सॉकेट मिल जाएगा, एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, ऑक्स की जगह दी हुई है। अब आ जाते हैं भाई इसके मेन अट्रैक्टिव पॉइंट पे, जो हमें ईवी मैक्स में ही मिला था, जो वो है ट्यूनर है, थोड़ा ना इसमें ज्वेल टाइप का दिया हुआ है, अट्रैक्टिव लगता है। जो गियर नॉब है इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, और डिस्प्ले मिलती है गियर नॉब में, छोटी सी एमआईडी देखने के लिए मिल जाती है हमें। बट बैड लक कि इसकी बैटरी लो है, तो यहाँ एमआईडी मिल जाती है, जिसके अंदर आपके ड्राइविंग वगैरह के मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये इको और ये स्पोर्ट्स मोड के बटन आपको अलग से दिए गए हैं। यहाँ आपका इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक्स, हैंड ब्रेक्स, ये ऑटो होल्ड के लिए, ये रीजेन जेन के लिए, तीन पॉइंट्स मिलते हैं रीजेन पॉइंट सेट करने के लिए, 1 2 3 आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर, ये थोड़ा स्पेस वैसे दिया हुआ है, अलग से बनाया हुआ है थोड़ा सा, कुछ रखने की जगह तो है नहीं बट फिर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट में आपको स्पेस मिल जाता है, ठीक स्पेस है, ज़्यादा भी नहीं है, बाकी स्लाइडेबल आर्मरेस्ट नहीं है। ये आपका ग्लोब बॉक्स यहाँ से ओपन होगा, यहाँ बटन दिया हुआ है ग्लोब बॉक्स का, इसे प्रेस करेंगे ग्लोब बॉक्स खुल जाएगा, स्पेसियस ग्लोब बॉक्स है। ऊपर आएंगे, यहाँ ऑटो डिमिंग IRBMs मिल जाएंगे आपको, ये ऑटो डिमिंग IRBMs आपके, रीडिंग लाइट, यहाँ पे आपका सनरूफ कंट्रोल, सनरूफ खुला हुआ है, शेड खुला हुआ है, ग्लास बंद है, माइक, यहाँ पे आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा सन वाइजर में, इस साइड प्लेन मिलेगा। तो ये तो हो चुका भाई पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। यहाँ जैसे ही हम इसका पैसेंजर डोर खोलेंगे, इंटीरियर तो पूरा मैं आपको दिखा चुका है, इसका ब्लैक बेस पे है। यहाँ ट्विटर, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, डोर एक्सेस हैंडल, ग्लास अप डाउन करने के लिए सॉफ्ट टच में मिलेगा ये वाला पार्ट। नीचे स्पीकर, वाटर वाटर स्पेस नहीं है बट पेपर वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ नीचे। पीछे आपको 60-40 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये सीट स्प्लिट कर सकते हैं आप, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे दो, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स, यहाँ दो एसी वेंट्स मिल जाएंगे।
दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स हैं। यहाँ से आप ड्राइवर फ्रंट देख सकते हैं दोबारा से। अब चलते हैं बूट स्पेस पे। तो बूट तो भाई इसका मुश्किल खुल पाएगा क्योंकि बैटरी ख़त्म है। तो बूट स्पेस वही है कोई इसमें जो हमें मिलता है ईवी मैक्स के अंदर, वही बूट स्पेस है। अब तो भाई ये था आपका टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स XZ प्लस लक्स का इंटीरियर एक्सटीरियर, और जो मोटर स्पेसिफिकेशन है वो मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ। 19,54,000 एक्सशोरूम पड़ती है ये दिल्ली के अंदर। और ये इसके साथ जो चार्जर है वो आपको 7.2 किलोवाट पर आर वाला चार्जर मिलेगा, फास्ट चार्जर। अब आप बताना आपको गाड़ी कैसी लगी, इंटीरियर कैसा लगा, एक्सटीरियर कैसे लगा, और गाड़ी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।